दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि लहरियासराय बेता ओपी थाना क्षेत्र में शराब के कई कांडों में फरार चल रहे अभियुक्त के बारे में गुप्त सूचना मिला कि अविनाश कुमार उर्फ भुटवा बेता चौक पर पिस्टल के साथ देखा गया है। उक्त सूचना के सत्यापन पर बेता ओपी पुलिस के द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर छापेमारी कर मुन्ना झा पिता विश्वजीत झा बलभद्रपुर थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा मुन्ना झा ने स्वीकार किया उसी ने अविनाश को आर्म सप्लाई किया था। अविनाश के निशानदेही पर दो और शराब माफिया राजू शाह पिता लक्ष्मी शाह सागंज बेता जिला दरभंगा अमोद चौधरी पिता महावीर चौधरी सागंज बेता जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। माफियाओं को अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक आम से डीलर भी अरेस्ट हुआ है। हम लोग को सूचना मिली थी कि अविनाश कुमार है जो कि बेता का ही रहने वाला है, ये वहाँ के एक शराब के केस में वांटेड था, NBW भी निर्गत था, इसकी अरेस्टिंग हुई। इसकी हम लोगों ने तलाशी की तो इसके पास में एक पिस्टल मिली है, एक 7.67 का जिंदा कारतूस मिला है। पूछताछ में इसने ये बताया कि ये अपने ही एक प्रतिद्वंदी, वो भी शराब का कारोबार करता है, ये उसकी हत्या करने के लिए निकला हुआ था। इसके निशानदेही पे हमने जो दूसरा शराब माफिया राजू शाह उसकी अरेस्टिंग की है। अनुसंधान में पता चला है कि ये भी बेता थाने की ही एक पर्टिकुलर केस जो कि शराब और NDPS का केस है उसमें वांटेड था। राजू शाह पे 3 केसेस बेता में दर्ज हैं और 3 केसेस एक्साइज सेक्ट के द्वारा भी इस पर दर्ज हैं। टोटल 6 केसेस इस पर दर्ज हैं। हम लोग ने जब पूछताछ करी कि अविनाश को हथियार कहाँ से मिला है तो इसने बताया कि बलभद्रपुर का एक मुन्ना झा है, उसके द्वारा इन लोग को हथियारों की सप्लाई होती रही है। वो हथियार भी हमने जब्त कर लिया है और मुन्ना झा को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। मुन्ना झा भी पहले जेल जा चुका है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा रात को भी हम लोग ने एक स्ट्राइक कंडक्ट की थी तो उसमें भी एक शराब में एक फरार अपराधी है जिसका नाम अमोद कुमार चौधरी है, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। तो टोटल इसमें 3 शराब माफिया अरेस्ट हो गए हैं, 3 केसेस का उद्भेदन हो गया है, इसमें हथियार का सप्लायर भी अरेस्ट हो गया, हथियार भी मिल गया है। इन सभी माफियाओं से हम लोग ने इनकी जो संपत्ति इन्होंने जो अर्जित कर रखी है उसके बारे में काफ़ी जानकारी भी मिली है। हम लोग इनका पैन कार्ड नंबर लेकर के IT डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इनकम टैक्स विभाग को, और जो भी आर्थिक चोट इन पर पहुँचाने के लिए कानूनी प्रावधान हमारे पास मौजूद है उन सबका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में जितने भी शराब माफिया एक्टिव हैं उन सबकी हमने एक सूची बनाई है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो अपराधी है राजू शाह, हम लोग ने निर्देश दिया था कि सभी थाना अपने यहाँ जो सक्रिय अपराधकर्मी उनकी सूची बनाए, उसमें राजू शाह का भी नाम था। और इस प्रकार से जो हम लोग ने डेटाबेस तैयार किया अपराधियों का उन पर लगातार हम लोग की कार्रवाई चलती रहेगी। खासतौर पर जो शराब के माफिया हैं हम लोग ने जो भी चिन्हित किए हैं आने वाले समय में लगातार हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे और सभी को हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अविनाश कुमार झा शाहगंज बेता का ही रहने वाला है, जिसकी हत्या करने निकला हुआ था राजू शाह, ये भी शाहगंज बेता का ही रहने वाला है। मुन्ना झा बहादुरपुर का है जिसने आम सप्लाई किया था, और ये जो अमोद चौधरी है ये भी शाहगंज बेता का ही रहने वाला है। तो बेसिकली ये तीनों लोग जो बेता एरिया और जो DMCH का एरिया है वहाँ पे ये लोग शराब डिलीवरी का काम कर रहे थे। इन लोग की गिरफ्तारी से उस अपराध में काफ़ी अंकुश आएगा और इनसे जो जानकारी हम लोग को और अपराधियों के बारे में स्पेशली जो शराब के कारोबार में लिप्त हैं उनकी भी मिली है, उन लोग को भी हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, हम लोग चार्जशीट भी करेंगे। इनका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है जहाँ से इन लोग को शराब का सोर्स होगा, अब हम लोग की नेक्स्ट कार्रवाई उस पर होगी। इसके अलावा इन लोग ने काफ़ी संपत्ति भी इकट्ठी कर रखी है, उसको भी हम लोग ने चिन्हित कर लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हुए हम लोग इन पर कार्रवाई कराएंगे और इनके संपत्ति जब्ती करने के लिए हमारे पास PMLA एक्ट है और शराब के कानून में भी जो प्रावधान है उसको भी हम लोग जल्दी प्रोपोजल बना करके भेजें।